हैदराबाद पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार को लिखी चिट्ठी, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने को कहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस की बजाय राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाए। ओवैसी की मांग के बाद तेलंगाना सरकार का फैसला, 16, 17 और 18 सितंबर को तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार के फैसले पर बोले तेलंगाना बीजेपी चीफ बंटी संजय, ओवैसी के आदेश का पालन करती है तेलंगाना सरकार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चैलेंज, हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव कराएं। थैंक्स गिविंग प्रोग्राम में बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बहुत सारे लोग सरकार गिराने और कमजोर करने में लगे हैं। झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का दावा, प्रदेश में नहीं है कोई राजनीतिक संकट। झारखंड विधानसभा के एक दिन के सत्र पर भी बोले रविंद्रनाथ महतो, पिछले सत्र में जो काम अधूरे रह गए उसे पूरा करने के लिए बुलाया सत्र। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी एससी सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल, कहा देश से गायब हो रही है कांग्रेस, केरल में सिर्फ बीजेपी का भविष्य। अमित शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट को गरीब विरोधी बताया, कहा कांग्रेस गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। अमित शाह ने केरल बीजेपी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, यहां देशभक्ति के साथ साथ बलिदान और बहादुरी की है जरूरत। कांग्रेस को उम्मीद, रविवार को दिल्ली में होने वाली महंगाई रैली में लाखों लोग होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज, अमित पात्रा बोले परिवार बचाओ यात्रा करने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के चेयरमैन की दो टूक, मतदाता सूची नहीं जारी होगी। मणिपुर में जेडीयू को झटका, 5 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा देश में नई राजनीति चल रही है, पूछा दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना क्या संवैधानिक है। मिशन 2024 पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा विपक्ष एकजुट होगा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। जेडीयू चीफ ललन सिंह का आरोप, पैसे से विधायक खरीद रही है बीजेपी, जनता सब देख रही है, 2024 में विदा होंगे जुमलेबाज। उपेंद्र कुशवाहा बोले विधायक तोड़ना बीजेपी की पुराना रवैया, बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार, 3 राज्यों से घटकर अब केवल बिहार में ही रह गए। सुशील मोदी का बड़ा दावा, बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन जल्द तोड़ देगी बीजेपी। जेडीयू की पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक, पार्टी के 250 से ज्यादा नेता हुए शामिल। गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने 5 सितंबर को दिल्ली आ सकते हैं नीतीश कुमार, 3 दिनों तक विपक्षी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। पंचकुला में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों से मिले जेपी नड्डा, बबीता फोगाट समेत कई खिलाड़ियों के साथ की चर्चा। गुजरात आप चीफ गोपाल इटालिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी नेताओं के लिए अभद्र भाषा का आरोप। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का राज्यपाल को खत, एमएलसी के 12 नामों वाली एमबीए की लिस्ट को रद्द करने की मांग की। आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली कार्यक्रम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लिया हिस्सा, कहा शैक्षणिक संस्थाओं को भविष्य के हिसाब से करना होगा तैयार। तिरुवनंतपुरम में सदन जोनल काउंसिल की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता, केरल तमिलनाडु कर्नाटक के सीएम रहे मौजूद। गृहमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में 26 मुद्दों पर हुई चर्चा, 9 मुद्दों को सुलझाया गया, बाकी विचाराधीन। रविवार को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में 6 जेल ड्यूटी मीट में लेंगे हिस्सा, 2 और कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। आईएनएस विक्रांत के बहाने असदुद्दीन ओवैसी का पीएम पर निशाना, कहा अब चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत होगी। मदरसों के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक जारी, कहा मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है, शाखाओं में नफरत। मुंबई में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले एनएसए अजीत डोवल, सीएम शिंदे से भी की मुलाकात। मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण, ओम बिरला बोले उनका संदेश पूरी मानवता के लिए है। गुजरात के केवड़िया में टाटा ग्रुप के 5-स्टार होटल का शिलान्यास, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पीएम खुद चाहते हैं होटल जल्दी बने। देवघर में बिजली बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 पर एफआईआर, चार्टर्ड प्लेन की उड़ान के लिए जबरन क्लियरेंस का आरोप। एफआईआर को लेकर निशिकांत दुबे का बयान, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, फ्लाइट की सारी डिटेल एयरपोर्ट के पास। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में डीसी देवघर के खिलाफ दर्ज कराया 0 एफआईआर, प्रतिबंधित इलाके में डीसी कैसे पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, मामले की पूरी जांच होगी तभी सच सामने आएगा। पंजाब में बड़ा डीजीपी विवाद, छुट्टी से लौटे वीरेश कुमार भावरा को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भावरा। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए विशेष समिति गठित, 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा बलों की जानकारी करता था साझा। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने कबूला जुर्म, कहा संपत्ति के लिए की हत्या। सुधीर सांगवान ने सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज देने की बात कबूली, करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए सुखिंदर के लिए मदद। सोनाली फोगाट के 3 बैंक अकाउंट्स को पुलिस ने खंगाला, पुलिस को शक, काफी ट्रांजेक्शन किया गया। गुजरात के बनासकांठा में लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, कहा धर्म बदलकर हिंदू लड़कियों का शोषण बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला की गणेश पूजा पर विवाद, रूबी खान के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जारी किया फतवा। रूबी खान का मौलाना पर पलटवार, कहा यह जिहादी फतवा है, मैं इससे डरने वाली नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में धर्म परिवर्तन ना करने पर एक इंजीनियर को सिर तन से जुदा की धमकी, इंजीनियर ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर।
टीएमसी नेता राजू सानी को 5 दिन की पुलिस रिमांड, चिटफंड मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नौरा से चौथी बार पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने 6 घंटे में 50 सवाल पूछे। नौरा बोली, जैकलिन के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। जैकलिन फर्नांडिस से फिर हो सकती है पूछताछ, जरूरत पड़ने पर सुकेश के सामने बिठाकर की जा सकती है पूछताछ। चाइनीज लोन ऐप मामले में ईडी का एक्शन, बेंगलुरु में 6 स्थानों पर की छापेमारी। श्री मुर्गा मठ के महंत शिवमूर्ति मुर्गा ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया, मेडिकल ग्राउंड का दिया हवाला। वाराणसी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की भक्ति, काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। मुरादाबाद दौरे पर रहे सीएम योगी, मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर की समीक्षा बैठक। सीएम योगी का बयान, पीएम आवास योजना के तहत मुरादाबाद में 518 लोगों को घर दिए गए। छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ बिलाईगढ़ दो नए जिले बने, सीएम बघेल ने दी सभी को बधाई। पटना के एडीएम कृष्ण कन्हैया प्रसाद को कारण बताओ नोटिस, तिरंगे के लिए छात्र पर भांजी थी लाठियां। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली वर्चुअल स्कूल मॉडल को छात्र विरोधी बताया, कहा शिक्षा तंत्र की नींव को नष्ट करेगा। आप विधायक दुर्गेश पाठक को दिल्ली के इंदिरापुरी के स्कूल में नहीं मिली एंट्री, कहा बीजेपी की तरफ से रोकी जा रही है एंट्री। छात्रों के विरोध के बाद आईआईटी दिल्ली का फैसला, ट्यूशन फीस में 30% की कटौती की। मध्यप्रदेश के इटारसी में करणी सेना के नगर मंत्री की हत्या पर तनाव, कार्यकर्ताओं ने शव के साथ थाने के बाहर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शिंदे और ठाकरे गुट के बीच बवाल, पुलिस ने केस दर्ज किया। झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी का ट्वीट, दुमका की आदिवासी युवती के अनान अंसारी ने बलात्कार के बाद हत्या की, ऐसे दरिंदों का कितनी आदिवासी महिलाएं शिकार होंगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 करोड़ की कोकेन जब्त, विदेशी नागरिक ने पेट में छिपाई रखी थी। असम के सोनितपुर में 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, 330 एकड़ जमीन छुड़ाई गई। बंगाल के पूर्वी मेदिनापुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के गृहमंत्री का बड़ा खुलासा, कहा 15 अगस्त को एक व्यक्ति को चाकू मारने वाले जबीउल्लाह का आतंकी संगठनों से है संपर्क। बंगाल और मुंबई एटीएस की साझा कार्रवाई, बयान आतंकी संगठनों के संपर्क वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में एक स्कूल में दलित लड़कियों ने मिड डे मील परोसा तो रसोइये ने जबरन खाना फेंकवाया, पुलिस ने रसोइयों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे रफ्तार का कहर, बीएमडब्ल्यू कार 20 फीट नीचे गिर गई, 1 शख्स की मौत। एनजीटी ने बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ का लगाया जुर्माना, कचरे का सही प्रबंधन न करने पर कार्रवाई। चेन्नई के चिन्मय नगर में प्लास्टिक की थैली में शव मिलने से हड़कंप, मृतक की पहचान उद्योगपति भास्करन के तौर पर हुई। ओडिशा के कटक में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज ने किया सुसाइड, घर पर पंखे से लटक कर दी जान। झारखंड के जमशेदपुर में जेल की थीम पर कैदी किचन नाम का खुला रेस्टोरेंट, जेल की सलाखों के पीछे परोसा जाता है खाना। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, यूनिवर्सिटी में घुसा पानी। प्रयागराज में गंगा नदी पर नॉनवेज पार्टी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई। देश में कोरोना के 7219 नए मरीज, कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 56,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 236 नए केस दर्ज, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। राज ठाकरे अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, बप्पा का आशीर्वाद लिया। ताइवान के लिए अमेरिका का बड़ा ऐलान, 1 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत के हथियार देगा अमेरिका। सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गॉर्बाचोव का हुआ अंतिम संस्कार, शीत युद्ध समाप्त करने और यूएसएसआर के विघटन में निभाई थी मुख्य भूमिका। भारत ने किया कमाल, ब्रिटेन को पीछे छोड़ बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, 2014 से पहले हम दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। साल 2029 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, भारत एसबीआई की रिसर्च में सामने आई बात। भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 28.68 अरब डॉलर पर पहुंचा, अगस्त में 33 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोवलम में खिलाड़ियों से की मुलाकात, खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। रविवार को होगा एशिया कप के ग्रुप ए के सुपर 4 का महामुकाबला, भारत पाकिस्तान की टीम होंगी आमने सामने। चोट की वजह से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी सुपर 4 मुकाबले से हुए बाहर, हारिस रऊफ ने कहा हम गेम को गेम की तरह लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच नियुक्त हुए ब्रायन लारा, टॉम मूडी की ली जगह। दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाजी प्रभाकरन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जनरल सेक्रेटरी चुने गए। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुडबाय का पोस्टर रिलीज, 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी फिल्म रिलीज। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने शुरू की फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग, फर्स्ट लुक में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए। फिल्म विक्रम वेधा में 3 अलग अलग लुक्स में दिखेंगे ऋतिक रोशन। फिल्म में सैफ अली खान और राधिका आप्टे भी आएंगी नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।